जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिराकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एरिथमेटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। ओके, हाउ वी फाइंड आउट LCM विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में LCM रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे, सो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर बाय लुकिंग द क्वेश्चन विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम यू फाइंड आउट इट्स आंसर। ओके, सो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम इसे लॉन्ग मेथड में देखेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड देखेंगे। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, इसका ट्रेडिशनल मेथड में कैसे वी फाइंड आउट LCM। देखिए, ये क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। ओके, देखिए ट्रेडिशनल मेथड से पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर में डिवाइड करिए। 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8, 8, 2 जा 16, देन आपका 16, 8, 2 जा 32। ओके, फिर 2 से डिवाइड करने से कितना होगा, 1, 1, 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8, 8, 2 जा 16। ओके, फिर 2 से डिवाइड करिए, 1, 1, 1, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 1, 1, 1, 1, 2, फिर 2 से डिवाइड करिए, 1, 1, 1, 1 एंड फाइनली 1। ओके, सो जब तक रिमाइंडर 1, 1 नहीं आ जाते, तब तक आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाइए। ओके, सो आपका LCM होगा ये सबका मल्टीप्लीकेशन। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 32। ओके, आया समझ में? ये है ट्रेडिशनल मेथड। देखिए, शॉर्टकट मेथड में कैसे आप फाइंड आउट करें ये सबका LCM। देखिए, ये जो सेट ऑफ नंबर है, इसका LCM कितना होगा, देखिए बाय लुकिंग। ओके, सिर्फ आप एक क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बता सकते हो। देखिए कैसे, बड़ा नंबर चूज करें। ओके, इनमें से 2, 4, 8, 16, 32, इनमें से सबसे बड़ा है 32। सो वेदर ये 32 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर। ओके, ये 2 से डिवाइड होता है 32, 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है। इसीलिए ये जो बड़ा नंबर है, ये आपका LCM। ओके, ये होगा आपका LCM। ओके, देन सेकंड नंबर देखिए, 5, 10, 25, 50, 100, LCM कितना होगा। पहले बड़ा नंबर को चूज करिए, बड़ा नंबर कितना है 100। वेदर ओके, ये जो 100 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर। ओके, क्या ये जो 100 है, ये 50 डिवाइड करता है, 25 डिवाइड करता है, 10 डिवाइड करता है और 5 डिवाइड करता है? यस, इफ योर आंसर इज यस, देन ये बड़ा नंबर इज योर LCM। देखिए, 5 डिवाइड करता है 100 को, 10 भी डिवाइड करता है, 25 भी डिवाइड करता है, 50 भी डिवाइड करता है, इसलिए ये जो 100 है, ये है आपका LCM। ओके, देन देखिए अनदर क्वेश्चन, 2, 9, 13, सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करिए क्या है, 18। सो 18 2 डिवाइड करता है, 9 डिवाइड करता है, लेकिन 13 डिवाइड नहीं करता है। तब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो 13 है, ये है एक प्राइम नंबर। ओके, जब प्राइम नंबर बीच में आ जाएंगे, तो सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसका, ये जो 3 नंबर का LCM कितना होगा, 18 × 13 इज इक्वल टू 234। ये होगा आपका LCM। 2, 9, 13 और 18 का LCM कितना होगा, 234। ओके, देन देखिए नेक्स्ट नंबर, 7, 14, 11, देखिए हाईएस्ट नंबर कितना है 14, 7 कट जाएगा 14 से, लेकिन 11 नहीं कटेगा, 11 एक प्राइम नंबर, तब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स 14 × 11। ओके, ये होगा आपका 154। ये होगा आपका LCM। ओके, देन देखिए नंबर 5, 6, 12, 24, 48 का LCM क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है 48। क्या 48 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 12, 6? यस। ओके, 6 48 को डिवाइड करता है, 12 48 को डिवाइड करता है, 24 48 को डिवाइड करता है, इसलिए ये 48 जो है, ये है आपका LCM। ओके, देन देखिए नंबर 6, 10, 20, 30, इसका LCM कितना होगा। देखिए बड़ा नंबर क्या है 30, क्या 30 को 20 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्या 10 डिवाइड करेगा, यस करेगा। देखिए
10 डिवाइड करेगा लेकिन 20 डिवाइड नहीं करेगा 30 को। सो इसी केस में क्या करेंगे, ये जो बड़ा नंबर है इसको डबल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 60। क्या 60 डिविजिबल बाय 10, 20 एंड 30? यस। सो इसीलिए ये 60 होगा आपका आंसर। ओके, देखिए जब बड़ा नंबर के साथ कोई प्राइम नंबर रहे तो सीधा इसी प्राइम नंबर को उसी बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड द रिजल्ट इज योर एलसीएम। लेकिन जब प्राइम नंबर नहीं रहेगा वो बड़ा नंबर को 2 times, 3 times, 4 times ऐसे करके कंपेयर करिए। ओके, देखिए ये बड़ा नंबर 30 है लेकिन ये छोटा नंबर कितना है 20। ये 20 एक प्राइम नंबर नहीं है इसलिए बड़ा नंबर को हमने डबल किया। डबल करके देखा ये 60 डिवाइड करता है यस करता है इसलिए ये जो 60 है ये है आपका LCM। ओके, देन देखिए नंबर 7, 3, 9, 13 and 18, इसका LCM क्या होगा? देखिए बड़ा नंबर क्या है 18 3 से कटता है, 9 से भी कटता है लेकिन 13 से नहीं कटता है, और 13 जो है ये है एक प्राइम नंबर। सो इसीलिए ये 13 into 18 ये दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, रिजल्ट होगा आपका LCM, ये कितना होगा देखिए 234। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए देन लास्ट को देखिए 2478। ओके, इसका LCM कितना होगा? देखिए बड़ा नंबर क्या है 8 है, देखिए यार 2 से कटता है, 4 से कटता है लेकिन 7 से नहीं कटता है, और 7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है इसलिए ये दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए 56। 7 into 8 = 56। सो ये है शॉर्टकट तरीका टू फाइंड आउट LCM। ओके, सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब ये से क्वेश्चन आए सो यू फाइंड आउट LCM इन दिस मेथड। ओके, पहले बड़ा नंबर को फाइंड आउट करना और जितने भी छोटा नंबर दिया गया है देखना कि वो छोटा नंबर वो बड़ा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है कि नहीं करता है। जब करता है तो ये बड़ा नंबर होगा आपका LCM, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे भी हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और जब नहीं करता है, जो नंबर नहीं करता है, इफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज प्राइम नंबर देन आप ये प्राइम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो होगा आपका LCM। और इफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर देन ये जो बड़ा नंबर है इसको बढ़ाते जाइए। ओके, 2 मल्टीप्लाई करिए, देन 3 मल्टीप्लाई करिए, देन 4 मल्टीप्लाई करके देखिए whether that number is exactly divisible by all these number or not. If divisible, then जो number multiplication करने से जो number आएगा वो number होगा आपका LCM. Okay, this is the shortcut way to find LCM. Okay, so आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे next video में, तब तक के लिए take care, जय हिंद।